देविका ने टेबल से पानी का ग्लास उठाते हुए कहा। यस बेटा, ऐसा लगता है इस लड़की ने राघव पर कोई जादू कर दिया है। उधर राघव प्रिया के रूम में पहुंचा, जहां प्रिया बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। राघव ने प्रिया को देखते हुए अपने हाथ में मौजूद ब्रेकफास्ट प्लेट को टेबल पर रख दिया। राघव की नजरें प्रिया के खूबसूरत चेहरे से होते हुए उसकी गुलाबी होठों पर आकर अटक गई। जैसे ही राघव प्रिया के करीब आने के लिए आगे बढ़ रहा था, अचानक से प्रिया की आंखें खुल गई और उसने बौखलाते हुए कहा, कौन? मैं राघव। प्रिया नींद से तुरंत उठी और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बेड के सहारे से बैठ गई। राघव बेड के किनारे बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रिया बेड के दूसरे कॉर्नर पर शिफ्ट हो गई। राघव ने टेबल पर रखे पानी के जार से एक ग्लास में पानी भरकर उसे प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, इतना मत घबराओ, ये लो पानी पियो। प्रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। उसे रिलैक्स देखकर राघव ने टेबल पर रखी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो। और हाँ, अब तुम्हें यहीं रहना है तो थोड़ा एडजस्ट करने की आदत भी डालना शुरू कर दो। इतना कहकर राघव रूम से निकलने लगा। प्रिया चुपचाप उसे देख रही थी कि तभी अचानक राघव दरवाजे पर जाकर रुक गया और पलटकर कहने लगा, 1 मिनट, एक काम करो, तुम रेडी होकर नीचे ही ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, वहाँ मॉम और नैना भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहते हुए राघव रूम से बाहर निकल गया और नीचे उतरकर डाइनिंग रूम में पहुंचते ही अपनी मॉम और नैना से कहने लगा, प्रिया रेडी होकर आपसे मिलने नीचे आ रही है और यहीं ब्रेकफास्ट भी कर लेगी। अब राघव भी सभी के साथ बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। इतनी देर में प्रिया सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगी। तभी सभी की नजरें प्रिया पर पड़ी। प्रिया के डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते ही राघव ने प्रिया की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, मॉम, वैसे तो आपको सब कुछ पता चल ही चुका होगा, लेकिन फिर भी, मॉम ये प्रिया मेहता है, मिस्टर कबीर मेहता की बेटी, और प्रिया ये मेरी मॉम, और ये मेरी प्यारी सिस्टर नैना है, ये तुम्हें सिंह पैलेस में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। प्रिया ने देविका और नैना दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग किया। बदले में देविका और नैना ने भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग के लिए अपना सिर हिलाया। और फिर देविका ने मुस्कुराते हुए प्रिया से पूछा, हाउ आर यू प्रिया? प्रिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आई एम फाइन के इशारे में अपना सिर हिलाया। राघव ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, मुझे कहीं एक बिजनेस डील के लिए रेडी होकर निकलना है, तो आप लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हुए एक दूसरे से बात कीजिएगा। प्रिया को लगता था कि अगर उसने राघव की बातें नहीं मानी तो उसके डैड और पूरी फैमिली किसी मुसीबत में आ जाएंगे। प्रिया का मन तो ये घर छोड़कर जाने का हो रहा था, फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए वहां ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। राघव ने अपने बेडरूम में जाने से पहले अपनी सिस्टर नैना की तरफ देखते हुए कहा, नैना, इनका ध्यान रखना, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। नैना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी भाई, हमारे होते हुए प्रिया को किसी भी चीज की शिकायत नहीं होगी। इतना कहते हुए राघव वहां से उठकर अपने रूम में पहुंचा ही था कि तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि जोया श्रीधर का था। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जोया का नाम देखकर राघव चौंक गया और खुद से कहने लगा, जोया, व्हाई शी कॉलिंग मी नाउ? पहले इसने मुझे 2 मैसेजेस किए, मैंने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, भाई आखिर ये चाहती क्या है? राघव ने अपने रूम में पहुंचते ही कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो। कॉल के दूसरी तरफ से जोया की हंसी के साथ एनर्जेटिक आवाज आई, हे राघव, हाउ आर यू? राघव ने भी हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाय, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमने तो मेरे मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। नो, उस वक्त मैं कार ड्राइव कर रहा था, सो नो रिप्लाई। ओह, देन इट्स फाइन राघव, आई एम जस्ट जोकिंग, आई नो तुम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते मुझे। एनीवेज, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, मैं बहुत जल्दी इंडिया आ सकती हूँ। इतना सुनते ही राघव थोड़ा परेशान होने लगा। उसने तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा, लेकिन
अगर तुम इंडिया आ गई तो फिर वहाँ लंदन में डैड का सारा काम कौन संभालेगा? और अगर तुम डैड के किसी काम से ही आ रही हो तो मैं हूँ इंडिया में यहाँ उनका बिजनेस संभालने के लिए। जोया ने थोड़ा ड्रामे भरे अंदाज में राघव को छेड़ते हुए कहा, तुम जिस तरह से बात कर रहे हो ऐसा लगता है जैसे कि तुम मेरे वहाँ इंडिया आने से खुशी नहीं हो। नो नो, मेरा वो मतलब नहीं था। यू आर मोस्ट वेलकम इन इंडिया। ओके, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं, बाय। इतना कहते हुए जोया ने कॉल कट कर दिया। राघव कुछ पल के लिए जोया के बारे में सोचता रहा, उसके बाद एक बिजनेस डील के लिए घर से चला गया। राघव के वहां से जाते ही देविका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और प्रिया के साथ उल्टे सीधे तरीके से बातें करना शुरू कर दिया। नैना ने प्रिया की तरफ देखते हुए देविका से कहा, मॉम, भाई की चॉइस कैसी लगी आपको? देविका के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। उसने पहले नैना को देखा और फिर अपनी नजरों को प्रिया की तरफ करते हुए कहा, मेरे बेटे की चॉइस के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं, इतनी आसानी से उसकी नजरें किसी पर नहीं टिकती। जरूर प्रिया ने ही राघव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कुछ किया होगा, जिसका असर राघव में देखने को मिल रहा है। और फिर हमने भी तो अभी कुछ ही देर पहले राघव की आंखों में प्रिया की दीवानगी देखी थी। अब प्रिया को देविका और नैना की बातें चुभने लगी थी, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। देविका ने प्रिया से पूछा, तो प्रिया, हमारे घर में कितने दिनों तक रहने का प्लान बनाकर आई हो? प्रिया ने हैरानी के साथ जवाब देते हुए कहा, प्लान बनाकर? कैसा प्लान? मैं कुछ समझी नहीं। ओफो प्रिया, अब तुम इतनी नासमझ तो लगती नहीं हो। भले ही तुम्हारे चेहरे से मासूमियत झलक रही हो जिससे तुमने राघव को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन हम इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह से कोई उस पर इल्जाम कैसे लगा सकता है। प्रिया तुरंत जवाब देते हुए बोली, मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ पर कितने दिनों तक रहना है। देविका ने फिर से अपनी उसी शातिर हंसी के साथ कहा, अरे भाई सच कहो, तुम्हारे डैड कबीर मेहता ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना, है ना? मेरे डैड ने? हाँ तुम्हारे डैड ने। जैसा बाप वैसी बेटी। जरूर कबीर मेहता ने तुम्हें किसी साजिश का अंजाम देने के लिए इस घर में भेजा होगा। देविका के मुंह से अपने डैड का नाम सुनते ही अब प्रिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। प्रिया ने तिल मिलाते हुए कहा, आप बहुत ही गलत सोच रही है, मैं यहाँ किसी साजिश के लिए नहीं आई हूँ और मुझे यहाँ मेरे डैड ने नहीं भेजा, बल्कि राघव मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया है। देविका ने दोबारा प्रिया को उकसाते हुए कहा, प्रिया, जिस प्लान के लिए मिस्टर कबीर मेहता ने तुम्हें यहाँ भेजा है मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, और यकीन मानो मैं तुम्हें उस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रिया देविका की ये बातें सुनकर शॉक्ड हो गई थी। उसने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, आप इस तरह से ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहे हैं? मेरे डैड के बारे में आपको इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपको कुछ जाना ही है तो अपने बेटे राघवेंद्र सिंह राघव से पूछिए। मुझे राघव से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अब प्रिया को देविका की बातों पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसने बेबाकी से खुलकर देविका का जवाब देते हुए कहा, आपको राघव के बारे में जानने की जरूरत है, उसने पार्टी में मेरे डैड को धमकाया है। देखते ही देखते डाइनिंग टेबल का माहौल गर्मा गया। अब प्रिया ने किसी भी बात की परवाह किए बगैर देविका से साफ साफ कह दिया, मैं तो पहले से ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी, और आपको जाने के बाद तो ये बात और भी पक्की हो गई है कि मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। प्रिया इतना कहने के बाद बिना कुछ सोचे समझे डाइनिंग टेबल से उठ गई और घर से बाहर निकलने के लिए अपने कदमों को मेन डोर की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन मेन डोर तक पहुंचते ही उसे डोर के आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दिए, जिसे देखकर प्रिया ने अपने पैर पटकते हुए फिर से अपने कदमों को पीछे ले लिया। जैसे ही प्रिया पीछे पलटी तो उसके ठीक पीछे देविका अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ी थी। देविका कहती है, तुम्हें यहाँ राघव लेकर आया है,
और उसकी इजाजत के बगैर तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। एक खास बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा बेटा अपनी माँ के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनता है। प्रिया ने देविका और नैना को कुछ सेकंड्स तक घूरकर देखा और फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। इधर देविका अभी भी अपने दोनों हाथ बांधकर प्रिया को कमरे में जाते हुए देखने के बाद उसकी बेबसी पर हंस रही थी। प्रिया अपने रूम में जाने के बाद देविका की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसने यहाँ वहाँ टहलते हुए मन ही मन खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है, अचानक मेरी जिंदगी में ये राघव नाम का तूफान कहाँ से आ गया, और आज डैड के बारे में राघव की मॉम ने इतना कुछ कह दिया। मैं इस तरह चुपचाप बैठ नहीं सकती, मुझे डैड से मिलना होगा और जानना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की हकीकत क्या है। प्रिया विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन कहने लगी, अभी राघव घर पर नहीं है, मेरे पास यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। आज मैं भले ही अपने घर ना जाऊं, लेकिन मैं इस घर में कैद होकर तो नहीं रहूंगी। कुछ भी हो, आज रात मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। राघव के घर से निकलने के बाद प्रिया पूरे घर में कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कुछ हद तक उसे इसमें कामयाबी भी मिल गई थी। अंधेरा होते होते प्रिया ने एक ऐसी विंडो ढूंढ ली जहां से वो सिक्योरिटी गार्ड से छिपते छुपाते हुए बाहर निकल सकती थी, और फिर सही मौका मिलते ही प्रिया उस विंडो के ग्लास को तोड़कर बाहर निकलने लगी। इस वक्त गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। तभी प्रिया बड़ी ही चालाकी से गार्ड को चकमा देकर भाग गई और वहां से बाहर आकर मन ही मन कहने लगी, अब सबसे पहले मुझे किसी से लिफ्ट लेकर इस एरिया से दूर निकलना होगा। इधर घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स को विंडो का शीशा टूटा हुआ देखकर थोड़ी ही देर में इस बात का अंदाजा हो गया कि प्रिया उन्हें चकमा देकर घर से भाग गई है। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक गार्ड ने तुरंत राघव के असिस्टेंट रिकी को कॉल लगाया। 2 से 3 रिंग जाने के बाद रिकी ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हड़बड़ाते हुए बौखलाहट के साथ कहा, रिकी सर, वो प्रिया मैडम, क्या वो लगा रखा है, क्या हुआ प्रिया मैडम को? सर, प्रिया मैडम वो घर से भाग गई है सर। विकी ने इतना सुनते ही तुरंत सिक्योरिटी गार्ड का फोन कट किया और राघव को प्रिया के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। उधर कुछ देर बाद प्रिया तेजी से पैदल चलते हुए सिटी के मेन रोड पर आ गई और वहां से आती जाती गाड़ियों से लिफ्ट लेने की कोशिश करने लगी। तभी बहुत ही जल्दी एक चमचमाती हुई कार उससे कुछ आगे जाकर ब्रेक लगाए और फिर रिवर्स आकर प्रिया के पास रुक गई। उस कार को रिवर्स आते देख प्रिया के मुंह से निकला, थैंक गॉड, चलो किसी भले इंसान ने तो अपनी कार रोकी। प्रिया चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो ढंग से ये भी नहीं देख पा रही थी कि उसके लिए जो चमचमाती हुई कार रुकी थी उसका ड्राइवर कौन था। प्रिया कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गई और गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, थैंक्स, थैंक यू सो मच, बस मुझे थोड़ा सा आगे यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए। कार लगातार चले जा रही थी। प्रिया ने अपने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला और अपने डैड को कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो परेशान होकर कार की विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उसने गौर किया कि कार उसी रोड पर आगे बढ़ रही थी जिस रोड से वो भागते हुए आई थी। ये देखकर उसके मुंह से निकला, ओ गॉड, ये कार तो राघव के घर की तरफ ही जा रही है। देखते ही देखते कार उसी घर के मेन गेट के बाहर आकर रुक गई जिस घर से प्रिया बड़ी मुश्किल से भागकर आई थी। कुछ ही सेकंड्स में घर का गेट खुला और कार अंदर जाकर रुक गई। ये घर राघव का घर सिंह पैलेस ही था। प्रिया ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखने लगी, जिसे देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद राघव था। राघव ने कार से उतरकर प्रिया के लिए कार का गेट खोला और सपाट लहजे में कहा, हो गई, कर ली कोशिश, अब चलो अंदर और फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। राघव अपने लंबे लंबे कदमों के साथ घर के अंदर आ गया। उसके ठीक पीछे पीछे प्रिया भी घर के अंदर आ गई थी। प्रिया के आसपास तो बॉडीगार्ड्स खड़े थे, लेकिन उनके वहां खड़े रहने से प्रिया पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था।
राघव और प्रिया अब घर के हॉल में खड़े बीचों बीच तक आ चुके थे। राघव के दोनों हाथ उसकी पैंट के पॉकेट में थे। उसने हॉल के बीच में खड़ी प्रिया के चारों तरफ गोल घूमते हुए अपने गुस्से को दबाकर बड़े ही इत्मीनान से कहा, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की। अगर तुमने अगली बार ऐसी कोई भी हरकत की तो ये तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम आखिर चाहती क्या हो। प्रिया के साथ इतना कुछ होने के बाद वो एक बात तो समझ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा पाएगी। प्रिया के जहन में उस वक्त राघव नाम की मुसीबत से बचने के लिए दो नाम आए, पहला उसकी कॉलेज फ्रेंड रोजी और दूसरा ऋषि। प्रिया ने कहा, मैं इस तरह से कैद होकर यहाँ नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे कॉलेज जाना होगा। कॉलेज का नाम सुनते ही राघव ने प्रिया से कहा, कॉलेज? हाँ जरूर, वाई नॉट, जरूर तुम जा सकती हो कॉलेज। राघव की परमिशन मिलते ही प्रिया के चेहरे पर थोड़े से इत्मीनान के पल नजर आने लगे। तभी राघव ने कहा, लेकिन एक शर्त है। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कैसी शर्त? राघव ने अपने उसी अंदाज में कहा, शर्त तुम्हें कल कॉलेज जाते वक्त पता चल जाएगी। ओके?